ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने वाले tally.erp9, tally.erp9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो क्या रहने वाला है मैं बताने वाला हूँ आपको। आज का जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं पेहेड्स क्रिएट करना पेरोल के लिए, और पेरोल के लिए जो क्रिएट करने वाले हैं जो हम लोग पेहेड, वो है कैंटेन डिटेक्शन। कैंटेन डिटेक्शन का जो पेहेड है इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से क्रिएट होता है वो आज सीखने वाले हैं। यदि ये सीखने के लिए यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पर tally.erp9 का जो सॉफ्टवेयर है उसको चालू कर लेना है। चालू करने के बाद में आपके जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद में इस तरीके से नेम ऑफ कंपनी में आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है। यदि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम नहीं आए तो आपको करना क्या है, आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और tally.erp9 के 1 से 5 वीडियो देख लेनी है, और उसके बाद में ये टॉपिक करना है। आपको कंपनी बनाने के बाद उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, और आने के बाद में आपको इधर गेटवे ऑफ टेली दिखाई देगा। इसके बाद में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको पेरोल का एक्टिवेट कर लेना है। पेरोल का एक्टिवेट करने के लिए मैंने पेरोल की एक्टिवेशन की वीडियो बना रखी है, तो आप इसी में बैक जाके आप उसमें देख लें और उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब आपका पेरोल एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली के अंदर पेरोल इन्फो में जाना है, और पेरोल इन्फो में जाने के बाद में आपको पे हेड्स पे जाना है। और पे हेड्स इस तरीके से होते हैं जैसे कि कंपनी के अंदर लेजर्स वगैरह होते हैं, उसी तरीके पेरोल के लिए टेली में पे हेड्स क्रिएट किए जाते हैं सैलरी बनाने के लिए। यहाँ पे क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में जाने के बाद में आपसे पूछेगा कि नेम क्या है। नेम जो हमारा रहने वाला है वो है कैंटीन डिटेक्शन। अब जो हम लोग आज से जो बनाना शुरू कर रहे हैं, हम लोग आज की क्लास में हम लोग डिटेक्शन शुरू कर रहे हैं, जो हमारे कंपनी में से पैसे जो हमारे सैलरी से डिटेक्ट होते हैं वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद में पेहेड इंफॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज का जो टॉपिक है इसमें डिटेक्शन है, तो अब से जो एम्प्लॉय है उसके उसमें से डिटेक्शन फॉर एम्प्लॉय लेना है आपको। ध्यान रखना जो कैंटीन डिटेक्शन है, आपको आदत हो जाती है कई बार यहाँ वर्क करते करते कि हम लोग यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लेना है आपको। और देन अंडर की अगर हम लोग बात करें तो अंडर में यहाँ पे आपको आएगा करंट एसेट्स, ये जो कंपनी है उसके लिए करंट एक असेट्स बनेगा। और देन आगे की बात करें तो नेट सैलरी जो है, ये वाला टॉपिक नेट सैलरी को इफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे यस करना होगा। देन इसके बाद पूछा गया नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में उसका क्या नाम चाहते हो, हम लोग उसमें कैंटीन डिटेक्शन ही चाहते हैं, सेम रखना है। इसके बाद में आता है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे कैंटीन का जो डिटेक्शन होता है वो फ्लैट रेट होता है, जिस तरीके से मान लें उसका 500 रुपये पर मंथ कटेगा एम्प्लॉय का, 700, 1000 जो भी कटने वाला है वो कंप्लीट फिक्स कटता है, इसलिए उसको फ्लैट रेट रखते हैं। कैलकुलेशन का जो पीरियड होगा वो मंथली होगा, जो डिटेक्शन होगा वो मंथली डिटेक्ट होगा कैंटीन का। देन अगर राउंडिंग मेथड की बात करें तो नॉर्मल राउंडिंग करना है, और लिमिट की बात करें तो 1 रखना, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से कैंटीन का एक पेहेड क्रिएट हो जाएगा। उसको देखना चाहें तो डिस्प्ले में जा सकते हैं, डिस्प्ले में जाके आपको कैंटीन डिटेक्शन में जाके इस तरीके से देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन कौन रहेंगे, क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये सारी चीजें। एस्केप की से बैक आए, आप चाहे तो उसको क्या है कि अल्टर में जा सकते हैं, और अल्टर में जाके उसके अंदर कोई भी बदलाव कर सकते हैं कैंटीन डिटेक्शन में। यहाँ पे इस तरीके से जो भी आप बदलना चाहें इसमें से बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे मैसेज यस की जगह नो कर दिया, या फिर मैंने यहाँ से आपका एम्प्लॉय फॉर अर्निंग कर दिया, या कुछ भी ऐसा जो आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। और बैक आ रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी वापस में आ रहा हूँ अल्टर के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है पेहेड अल्टरेशन, इसमें आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ डी दबाएं तो अगर डिलीट करने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे यस करते हैं क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे नो कर रहा हूँ। आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने सीखा कैंटीन डिटेक्शन। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, और यदि समझ नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपको पेरोल के सभी टॉपिक सीखने हैं तो पेरोल का एक नंबर का टॉपिक एक्टिवेशन से शुरू करके, और जो भी मैं कंप्लीट पेरोल के टॉपिक करता हूँ सिखाता हूँ वो सभी आपको करने हैं, वो तभी आपको सैलरी के सभी टॉपिक समझ में आएंगे। और पेरोल का बड़ा टॉपिक होने के कारण हम लोग इसको टुकड़े में कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको धीरे धीरे करते रहें और कंटिन्यू चैनल पर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी
और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।